पबजी तो बैन हो गया, पीटीए की जानिब से एक और ऐसा इकदाम उठाया गया है। जी हाँ, वार्निंग दी गई है टिकटॉक को आखिरी, और उसके अलावा बीगो ऐप को ब्लॉक कर दिया गया है। टिकटॉक को वार्निंग और बीगो को ब्लॉक करने का ऐलामिया बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया है। पीटीए की जानिब से मजीद क्या कहा जा रहा है, जान लेते हैं सऊद भट्ट से। सऊद बताएगा। आज बिल्कुल पीटीए ने रात गए ये अहम फैसला लेते हुए बाकायदा इसका ऐलामिया जारी किया और वजाहत में लिखा है कि टिकटॉक को फाइनल नोटिस, जबकि जो सोशल मीडिया ऐप है बीगो उसको मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया गया है। पीटीए के तर्जमान के मुताबिक सोशल मीडिया एप्लीकेशन बिलखसूस ये बीगो और टिकटॉक पर फहश और गैर अखलाकी मवाद की वजह से जो माशरे में और नौजवान नस्ल पर मनफी असरात पैदा हो रहे हैं, इसकी मुतअद्दिद शिकायत मौसूल हुई थी फैमिलीज की जानिब से, पेरेंट्स की जानिब से, जिसके बाद से इसको बाकायदा तौर पर ब्लॉक कर दिया गया। साथ ही साथ ये भी वजाहत की गई है कि सोशल मीडिया कंपनियों को गैर अखलाकी मवाद के हवाले से कानूनी इखलाकी हदूद के मुतअद्दिद नोटिस जारी किए गए, लेकिन उन्होंने कोई तसली बख्श जवाब नहीं दिया, जिसके बाद पीएसए के तहत अपने पीटीए ने साउथ ठीक है इसको बैन करने के लिए टिकटॉक को भी वार्निंग अभी जारी की गई है। इससे पहले पबजी को बैन किया गया, लेकिन प्रॉक्सी और हॉटस्पॉट और वीपीएन के थ्रू तो सब कुछ चल रहा है, तो ये क्या नाम निहाद ब्लॉक किया जा रहा है कि मुकम्मल तौर पर ब्लॉक क्यों नहीं किया जा रहा? हाँ जी, देखिए पीटीए ने इसके ऊपर पहले भी वजाहत की थी कि जितनी भी प्रॉक्सी साइट्स यूज हो रही हैं उसके ऊपर पीटीए ने वजाहत की थी कि अपना अपना वीपीएन जो है वो तमाम यूजर्स रजिस्टर करवा लें। उसके लिए जो डेडलाइन दे रखी है, तब तक पीटीए जितनी भी प्रॉक्सी से चलने वाली वेबसाइट्स उनको ब्लॉक नहीं करेगा, क्योंकि पीटीए ने अभी उनको ये इजाजत दे रखी है कि आप अपना वीपीएन खुद रजिस्टर करवा लें। एक दफा जब ये डेडलाइन खत्म हो जाएगी तो बाकायदा जितनी इलीगल वीपीएन जो लिंक्स हैं उनको बाकायदा ब्लॉक किया जाएगा, और उसके बाद ये जो मसला है जो लोग वीपीएन के थ्रू और प्रॉक्सी साइट्स के थ्रू ये चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं उनके ऊपर भी मुकम्मल पाबंदी आई हो जाएगी। ठीक है, उनके ऊपर भी मुकम्मल पाबंदी आयत हो जाएगी। ये एक अच्छा और मुफीद इकदाम उठाया गया है पीटीए की जानिब से, और ये वार्निंग आखिरी वार्निंग जारी की गई है टिकटॉक को भी कि वो अपने मवाद को दुरुस्त कर ले और उसको थोड़ा सा स्केजलाइज करके साफ मटेरियल आवाम तक पहुंचाए।